नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित भाटी चैनल में स्वागत करता हूं। टॉपिक है हमारा आज गरम दल के क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों के कल मैंने आपको नाम लिखवाए थे, उसमें पहला ही नाम मैंने आपको लिखवाया होगा चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कल जब मैंने आपको गरम दल के क्रांतिकारी लिखवाए थे तो उसमें पहली लाइन थी चापेकर बंधु। और चापेकर बंधुओं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्टर रैंड को गोली किसने मारी? चापेकर बंधुओं ने आखिर कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। भाई प्लीज 5 मिनट बैठ जा, चुप सुन लो। यहां से क्वेश्चन बहुत जा रहा है क्योंकि यहां से हमारे भारत के चलते हैं गरम दल के क्रांतिकारी। उन क्रांतिकारियों में हुआ क्या था, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं दोबारा ऐसी क्रांति ना हो जाए, तो उन्होंने 1885 में एक संस्था बना दी जिसका नाम कांग्रेस था। इसके बाद अगर आपके यहां फंक्शन भी होता था तो एक अधिकारी अंग्रेजों का रहता था। हुआ क्या, महाराष्ट्र में एक बीमारी फैली सन 1897 की बाल है, 1897 महाराष्ट्र में एक बीमारी फैली जिसका नाम था प्लेग। यह बीमारी कल में बताई होगी आपको कि चूहे तथा बिल्ली के पिस्सू से फैलती है। तो यहां पे जो प्लेग अधिकारी बनाया गया वो मिस्टर रैंड को बनाया गया। किसको बनाया गया? मिस्टर रैंड। देखो ग्रामीण लैंग्वेज में आपने खूब सुना होगा कि रोता वही है जिसका अपना मरता, बाकी तो सब दिखावटी रोनर होते हैं। ये तो खूब आपने सुना है, यही कहानी थोड़ी सी यहां घटने वाली है। मिस्टर रैंड वहां पे प्लेग अधिकारी बनाया गया था इसलिए कि यह पता करो कि यह बीमारी कैसे हुई। मिस्टर रेंड ने अनाउंसमेंट कराया कि जिसको भी प्लेग हो गया हो वो सब आइए, मैं सबको दवाई दिलवाना चाहता हूं। सब आदमियों को दवाई दिलवाने के बहाने ट्रक में रखा और सबको ऐसा बताया जाता कि समुद्र में फेंकवा दिया, दवाई दिवा दी। दवाई दिवाने के बाद में वहां पे दो भाई रहा करते थे चापेकर बंधु, उसमें एक का नाम था गणेश चापेकर, दूसरे का नाम था दामोदर चापेकर। इनकी मम्मी और पापा को प्लेग हो गया तो इन्हें भी बैठना था वहां पे, तो दवाई तो इन्हें भी लेनी थी। जब दवाई लेनी थी तो वहां पे पहुंचे दवाई लेने के लिए, जब 3 दिन तक इनके मम्मी पापा का आता पता नहीं मिला तो इन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट किसको गोली मार दी? चापेकर बंधु ने मिस्टर रेंड को गोली मार दी। क्वेश्चन सिर्फ इतनी कहानी से एक ही आया कि बताइए भारत में पहली राजनीतिक हत्या किसकी हुई? मिस्टर रेंड। एक ही क्वेश्चन पूछा गया बस आज तक कि भारत में जो गरम दल के क्रांतिकारी थे चापेकर बंधु, भारत में जो पहली राजनीतिक हत्या हुई वो किसकी हुई मिस्टर, और होने की वजह क्या थी? महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाना। क्या फैल जाना? और वहां पर प्लेग अधिकारी मिस्टर रेंड के कार्यों से असंतुष्ट होकर चापेकर बंधु ने किसको गोली मार दी, और यही भारत में पहली राजनीतिक हत्या के रूप में जानी गई। क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा, हो गया सबका क्लियर? चलो जब क्वेश्चन हो क्लियर हो गया तो 1904 आपकी किताब में आपको भैया ने याद करने के लिए दिया है वीडी सावरकर, दिया होगा भैया जी वीडी सावरकर। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव भारत। भाई ये तो आपके याद थी, फिर मैं क्यों लिखा रहा हूं इसे? इसलिए लिखवा रहा हूं कि अभिनव भारत से पहले इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मित्र मेला के नाम से। तो बस एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि बताइए 1904 में वीडी सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की, तो अभिनव भारत की। और दूसरी बात, इसे किस नाम से जाना जाता है? मित्र मेला के नाम से। बात क्लियर होगी। 1906 में इन्होंने एक और संस्था चलाई जिसका नाम था युगांतर। क्या नाम था? युगांतर। पत्र भी निकलेगा, चलो वो भी वहां भी बाद में पहुंचूंगा थोड़ी देर। 1905 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कल आपको बताया था कि बंगाल को अगर सबसे पहले बांटने की धारणा विचार आया तो 1905 बंगाल को बांटा क्यों गया था यह भी मैंने आपको बताया था। भारत के क्रांतिकारी थे जिन्हें समाज सेवी भी कह सकता हूं, नाम था श्यामजी किशन वर्मा। क्या नाम था भाई? मैं आज आपको रोजगार कोचिंग सेंटर के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए तो बाद में थैंक यू बोल देना, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। श्यामजी किशन वर्मा, श्यामजी
श्याम जी कृष्ण वर्मा उस समय क्या था, जो पढ़ाई का मुख्य केंद्र हुआ करता था वो ब्रिटिश हुआ करता था। क्या होता था भाई? भाई भारत की आजादी के समय जो पढ़ाई का अच्छा केंद्र था वो सिर्फ ब्रिटिश था। जैसे मान लो आज पढ़ाई का ग्रेटर नोएडा में जो कंपटीशन का सबसे अच्छी तैयारी कराते हैं वो रोजगार वाले हैं भैया, नाम रोजगार कोचिंग सेंटर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई बार रोजगार कोचिंग सेंटर वालों से ज्यादा मालदार दूसरे लोग हो जाएंगे, उसका मतलब आप समझते हो। दुनिया में लोगों को यह पता लगा कि भाई ब्रिटेन चलते हैं, वहां जाने के बाद में अच्छी तैयारी होती है और जल्दी भर्ती हो जाएंगे। लोगों को पता लगा भाई रोजगार कोचिंग सेंटर में एडमिशन लो, जल्दी भर्ती हो जाएंगे। तो अब मुझसे ज्यादा, अंकित भैया से ज्यादा मालदार वो हो जाएंगे जो और पड़ोस वाले होंगे। मतलब मान लो जो आदमी आउट ऑफ इंडिया, यानी कि मान लो कहीं ब्रिटेन से, चीन से, जापान से आ रहा कहीं से पढ़ने के लिए, वैसा आएगा नहीं इतनी दूर से, मान लो इंडिया के किसी राज्य से, पश्चिम बंगाल से आ रहा है, उसे क्या पता कि ग्रेटर नोएडा में पीजी कितने रुपए का मिलता है। हमें पता 5,000 का पीजी मिल रहा है, 7 का मिल रहा हुआ है, यहाँ अगर तुम 35,000 या 30,000 मांगोगे तो वो देगा बेचारा, क्योंकि उसे यहाँ की लोकलिटी पता नहीं है। तो जितना पढ़ाई पर खर्चा होना था उससे ज्यादा खर्चा उसका कहाँ हो गया, उससे ज्यादा उसका बाहर हो गया। तो हमसे ज्यादा जो उसका खर्चा हो रहा ना, पढ़ाई ज्यादा, वो बाहरी खर्चों पर हो रहा है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या सोचा, ये ब्रिटेन गए, लंदन जाने के बाद में इन्होंने एक हाउस बनाया और जिस हाउस का नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था भैया? इंडिया हाउस। इस हाउस का जानकारी क्या भैया सुनो, इनका उद्देश्य था कि भारत से आने वाले छात्र यहां फ्री रह सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, तो उनका जो बाहर का खर्चा होगा वो बच जाएगा और इंडिया से ज्यादा छात्र आएंगे और हमारा देश कुछ पढ़ाई में आगे निकल सकता है। तो सोच सही थी या गलत थी? सोच बिल्कुल सही थी। तो यहां पे क्या था, बहुत सारे लड़के थे, तो इन्हीं में एक लड़का था जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था भाई? कल लिखवाया था तुम्हें, मदन लाल ढींगरा। हो गया भैया? जिस तरीके से वहां पर प्लेग अधिकारी मिस्टर रेंट को बनाया गया था, इसी तरीके से इस हॉस्टल का जो निरीक्षक बनाया गया था वो अंग्रेजों द्वारा वो करजन वाली को बनाया गया था। किसको बनाया गया था भैया? ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, करजन वाली। करजन वाली इस हॉस्टल में आकर बार बार परेशान करता है बच्चों को कि आप दारू पीते हो, शोर मचाते हो। अब मैं अगर डेली किसी ना किसी को परेशान करने लगूं तो अंत बुरा होता है, समझ रहे हो ना। तो मदनलाल ढींगरा ने कह दी, पी मैं बता क्या करेगा भाई, जब आप किसी को डेली परेशान कर रहे हो, मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं तू दारू पीवे, तो तुम एक दिन कहोगे गुरुजी पीऊं बताओ क्या करोगे, तो आप कुछ रहेगी फिल्म हो बनगी नहीं। इसी तरीके से करजन वाली बराबर परेशान करे जा रहा है कि तुम दारू पीते हो, रात को बदतमीज करते हो, शोर मचाते हो, तुमने हॉस्टल को सिर पर रख रखा है। मदनलाल ढींगरा को बर्दाश्त करते करते 2 साल हो गए। मदनलाल ढींगरा ने पिस्टल उठाई, तुरंत ऑन द स्पॉट किसको गोली मार दी, बन गया पिया दी दारू। तो सवाल क्या पूछे जाते हैं वो ध्यान से सुनो, इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इनका उद्देश्य था कि भारत से आने वाले छात्र यहां रहकर पढ़ सकते हैं, तो अंग्रेजों ने इस हॉस्टल का जो निरीक्षक बनाया वो बनाया करजन वाली को। करजन वाली के कार्यों से असंतुष्ट होकर मदनलाल ढींगरा ने 1908 में इन्हें गोली मार दी। मदनलाल ढींगरा को बाद में फांसी दे दी गई, बात यह भी खत्म हो गई। तो मदनलाल ढींगरा जी समझ में आ गए। चलो भैया आगे चलते हैं, अगले व्यक्ति का नाम है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्स, भाई मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है भैया, भैया इसके बारे में कहानी के रूप में सुनो। मुजफ्फरपुर में एक न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, और इस किंग्सफोर्ड ने भारत के क्रांतिकारियों को, बहुत ज्यादा क्रांतिकारियों को जेल में पहुंचाया। तो इसे मारने के लिए 2 क्रांतिकारी तैयार हुए, एक का नाम खुदीराम बोस और दूसरे का नाम प्रफुल्ल चाकी। क्या नाम था भाई? इन्होंने एक फैसला ऐसा सुना दिया जो गर्म दल के लोगों के पक्ष में ना होकर विपक्ष में था। तो इसे मारने के लिए 2 बंदे तैयार किए गए, एक का नाम खुदीराम बोस मात्र 15 साल 6 महीने और प्रफुल्ल चाकी मात्र 18 साल। बच्चे ही थे दोनों, क्योंकि 15 साल के कोई पता नहीं होता कुछ भी, 18 साल के मुकाबले 18 साल का थोड़ा सा चालू हो सकता है,
15 साल के मुकाबले, लेकिन 18 साल का भी बच्चा ही था भाई। क्रांतिकारी थे दोनों, मारने के लिए पहुंचे किसको? किंग्सफोर्ड न्यायाधीश पद पर थे यानी कि जज थे। इन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो गरम दल लोगों के विपरीत था। आराम से सुनते रहने, सुनूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो इन्होंने कोशिश की, यहां पे किंग्सफोर्ड न्यायाधीश थे, यहां इनका घर था। किनका? किंग्सफोर्ड का। अगर किसी को मारना हो तो डायरेक्टली आज ही नहीं मार सकते, तो उसका टाइम टेबल नोट किया, भाई 5 बजे आते हैं, 5:30 बजे घर पहुंचते हैं। इस तरीके से इन्होंने 2-3 दिन, लगभग 1 महीना इसका वेट किया। आज बम फेंकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भैया? उधर किंग्सफोर्ड के 3 रिश्तेदार आ गए मिलने के लिए। जब मिलने के लिए आ गई, वह सीधी ऑफिस में पहुंच गई। जब ऑफिस में पहुंची तो पहुंचने के बाद किंग्सफोर्ड बोला, तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ और घर को चलो, मैं थोड़ा पीछे पीछे आ रहा हूं, मुझे कुछ थोड़ा सा काम भी है। उनके वो बम की ताल में बैठे कौन? खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चौधरी। बेचारे जो बैठ के चले, जैसे ही आई ना तो सीधे यहां पहुंच गई, समझ रहे हो तुम, उड़ गई। उड़ने के बाद में जो खुदीराम बोस था, बच्चा था, वो भगा शहर की तरफ। कहां भगा? शहर में जाते पकड़ा गया और ऑन द स्पॉट उसे फांसी दे दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम उम्र के बच्चे को किसको फांसी हुई? बात समझ में आ गई क्यों हुई? दूसरा सुन लीजिए। अब प्रफुल्ल चाकी थोड़ा सा बड़ा था तो वो भगा रेलवे स्टेशन की तरफ और रेल में बैठ गया। 2-3 दिन ऐसे गुजारे, फिर रेल में थे, लेकिन तब तक उनका ऐसा बताते हैं कि स्केच तैयार हो चुका था। रेल में जा रहे थे, उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी, बाकी सब गोली खत्म हो गई होंगी। ऐसा भी बताया गया भारतीय इतिहासकारों द्वारा, ऐसा भी लिखा गया है कि हमारे इतिहास में 2 ही क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने मजबूरी में आके अपने आप को गोली मारी हो, या अपनी, जिनमें एक का नाम चंद्रशेखर आजाद जी था और प्रफुल्ल चाकी था। तो प्रफुल्ल चाकी ट्रेन में थे, वहां पे पुलिस वालों ने घेर लिया, इन्हें पता लगा कि मारा बाद में जाओगे, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली या गोली मार ली या सुसाइड कर ली कह सकता हूं। तो क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं, क्या? कि किंग्सफोर्ड को, किंग्सफोर्ड न्यायाधीश पद पर थे, 1908 की कहानी है। इन्हें मारने के लिए 2 बंदे तैयार किए गए, एक का नाम खुदीराम बोस और दूसरे का नाम प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने मिलकर इसकी गाड़ी पर बम फेंका, वो तो बच गया, लेकिन उसकी आने वाली 3 रिश्तेदार जो थी वो सीधी ऊपर पहुंच गई, स्वर्ग सुधार गई। इसके बाद में खुदीराम बोस 15 साल 7 महीने इन्हें फांसी दे दी गई। भारत में सबसे कम आयु के, सबसे कम आयु जिन्हें फांसी दी गई हो 15 साल 7 महीने, प्रफुल्ल चाकी 18 साल जिन्होंने स्वयं गोली मारी हो। बात क्लियर होगी? बताओ टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? टॉपिक अभी हमने 3 करे, पहला चापेकर बंधु, दूसरा अभिनव भारत, तीसरा इंडिया हाउस और चौथा हमारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। बताओ चारों क्लियर हो गए? जब हम 5वें टॉपिक पर पहुंचते हैं, पहले ये बताओ इतना नोट कर लिया? कहानी बहुत लंबी, बताइए क्वेश्चन एक ही याद करना है, ठीक? ये ना पूछने का कि कितनी महिला बैठी, कब उड़ी, कौन से रंग का बम फेंका, ऐसा कुछ नहीं पूछने का। सिर्फ एक ही भूखेगा कि मारने के लिए कौन भेजा गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बम फेंक दिया, इन्हें फांसी दे दी गई, इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्लियर? चलो जी मालिक, जब आगे चले तो आगे टॉपिक हमारा पहुंचता है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी पढ़ने से पहले सनी देवल पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने सनी देवल की मूवी देखी होगी गदर, एक प्रेम कहानी देखी है? उस पिक्चर सुनो, देखो कितने उत्साहित हो रहे हैं फिल्म के नाम पे। सकीना थी ना वहां, उस फिल्म में लेके शुरू के सीन से, और रुको, शुरू के सीन से और लास्ट तक सिर्फ लड़ाई हुई थी, हुई या ना हुई? तो गदर का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या करना? पहले आराम से सुनते रहो, गदर पार्टी नाम क्यों रखा गया वो सुनिएगा। लाला हरदयाल कौन थे वो भी पूरी अच्छी सुनो, लेकिन एक मैं नाम याद रख रहा है, लाला हरदयाल एम ए, उन्होंने गदर पार्टी बनाई, बस छुट्टी। पहले सुनो तो सही, गदर का मतलब होता है झगड़ा करना। इनका उद्देश्य क्या था? लाला हरदयाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे,
प्रोफेसर थे गदर पार्टी बनाने से पहले। लाला हरदयाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, नौकरी छोड़ी, स्पाई कास्ट सरदार थे। इनके मन में विचार आया कि हम भारत को कैसे आज़ाद करा सकते हैं, अगर भारत में रह के ही विद्रोह करेंगे तो पक्का हमारा दमन कर दिया जाएगा। तो ये भारत से निकले और निकलने के बाद कैलिफोर्निया चले गए अमेरिका। जिस तरीके से हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज़ का काम मुंबई में होता है, उसी तरीके से अमेरिका का जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का काम होता है वो सब कैलिफोर्निया में। तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने एक पत्र निकाला जिस पत्र का नाम था गदर पत्र, या ही आगे चल के होगा गदर पार्टी। क्या होगा भैया? तो क्वेश्चन आपने सिर्फ एक ही याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। कब हुई भैया? और करने वाले का नाम था लाला हरदयाल। गदर का मतलब होता है झगड़ा करना, समझ रहे हो? नहीं, अब सुन लो। गदर पार्टी का मतलब था, या गदर का मतलब था झगड़ा करना। इनका उद्देश्य था, ये दो पार्टियों का उद्देश्य रहा है। और यूपी पुलिस में सवाल आया था कि बताइए आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने या आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारत का कहां तक का हिस्सा जीत लिया था। ये 27 तारीख यूपी पुलिस के सेकंड मीटिंग में पूछा गया सवाल था। तो उन्होंने इम्फाल तक का हिस्सा जीत लिया था। उनका उद्देश्य था कि हम भारत में रह के भारत को नहीं जीत सकते, भारत में बाहर से विद्रोह करेंगे तो भारत को जीत लेंगे। इनका उद्देश्य भी यही था कि हम भारत में रह के भारत को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, इसलिए बाहर से आकर आक्रमण करेंगे और भारत को आज़ाद करा लेंगे। लाला हरदयाल के साथ में कैप्टन सोहन सिंह, करतार सिंह सराभा, प्रेमचंद, बहुत सारे अन्य आदमी हुआ करते थे। लेकिन ये अपनी इस पार्टी को चलाने के बिल्कुल सख्त पे थे। इस बात की भनक लग गई अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों को भनक लग गई तो ऐसा बताया जाता है कि इस आंदोलन में 31 लोगों को फांसी हुई और 200 लोगों को काले पानी की जेल हुई। ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ आपको। लाला हरदयाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर इन्होंने एक पत्र निकाला जिस पत्र का नाम था गदर पत्र, और वही बना गदर पार्टी। गदर का मतलब होता है झगड़ा करना। इनका उद्देश्य था कि भारत को अगर जीतना है तो भारत में रह के विद्रोह करके नहीं जीत सकते, बाहर जाने के बाद बाहर से आक्रमण करेंगे। और अपनी योजना में कामयाब भी हुए। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की सोच ही रहे थे, इनकी बात लीक हो गई। लीक हो गई, इन्हें पकड़ लिया गया और 31 लोगों को फांसी और 200 लोगों को काले पानी की जेल, जिनका मैं नाम ले रहा था अभी, करतार सिंह सराभा जो भगत सिंह के अंकल जी थे, उन्हें भी इस आंदोलन में फांसी की सजा हुई थी। बात क्लियर होगी भैया? तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने एक केस छोड़ दिया पीछे, अलीपुर केस। वो अलीपुर केस कौन सा था? गदर पार्टी, समझ में आ गई? जो आपको लिखना हो वो लिख लो, फिर दोबारा बता रहा हूं। लाला हरदयाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ी, अमेरिका गए, अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक पत्र निकाला, पत्र का नाम गदर पत्र। बात खत्म। ठीक है भैया, अब आ जाओ। एक केस हुआ था जिसका नाम था अलीपुर केस। अलीपुर षड्यंत्र, या तो अलीपुर षड्यंत्र कहेगा या अलीपुर केस कहेगा। हो गया भैया? अब जब अलीपुर षड्यंत्र क्या था, आपने नाम सुना होगा अरविंद घोष जी का, सुना है? इनका अरविंद घोष जी का एक भाई था, उस भाई के घर में क्या हुआ, बम बनाने के कुछ ऐसे पॉइंट मिले, या मान लो असला मिला वहां पर, और कुछ नुक्से मिले, बहरहाल जो भी मिला, इन्हें 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस तो भैया गिरफ्तार करने के बाद क्या करती है, ये आपको भी पता और मुझे भी पता, क्यों खामो खामी मुल्क खुलवा, क्योंकि बनना तो मैं पुलिस वाला। तो बहरहाल हुआ क्या, जिस समय जेल से छूटे तो पिटाई काफी हो चुकी थी। नाम था अरविंद घोष। क्या नाम था भैया? अरविंद, अरविंद घोष। अरविंद घोष जी ने जेल से छूटने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, और राजनीति से संन्यास लेने के बाद महाराज बन गए, समझ रहे हो ना? और पांडेचेरी चले जाते हैं। कहाँ पहुंचे? और पांडेचेरी जाने के बाद इन्होंने एक आश्रम बनाया जिस आश्रम का नाम था ओरोविलो आश्रम। और इसी ओरोविलो आश्रम में जाने के बाद इन्होंने वहां एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लाइफ डिवाइन। क्या नाम था भैया? लाइफ
डिवाइन। देखो इस पुस्तक को अगर मैं उल्टा कर दूं तो नाम दिक्कत हो जाती है। अगर ये पुस्तक लिख रही है लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष, अगर यही पुस्तक उल्टी कर दी, ये कर दी डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, तब आ जाता आंसर दांते। क्या आता है? आप लोगों ने पक्का बीए करी होगी तो उसमें मिला होगा ये डिवाइन लाइफ पुस्तक। किसने लिखी थी? दांते ने। और अगर बात करता हूँ लाइफ डिवाइन, ये किसने लिखी? अरविंद घोष ने। और वहाँ इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, सावित्री लिखी, गीता लिखी। लिखने के बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन कहाँ व्यतीत कर दिया? पांडेचेरी। अभी हमारे क्रांतिकारी मात्र 5 या 6 हुए हैं। क्लास फिर भी तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बाकी आपकी मर्जी है। एक बार क्लास को जाकर जो कहानी से आप पढ़ाई है इस क्लास को 2 बार पढ़ लेना, गारंटी की बात है आपको कभी जीवन में दोबारा क्रांतिकारी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।